नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 3 सितंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:27 से लेकर 12:51 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 3 से लेकर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा, यह चंद्रमा संपूर्ण दिन तुला राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि, मंगल और बुध के साथ लाभ योग करने जा रहा है, उसी प्रकार हर्षल के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है। आज के दिन बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। तो आज का आपका जो दिन है काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मतलब शुभ भी है। दो तीन बातें हैं उसके ऊपर अगर आप ध्यान दो तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ और संयमित हो सकता है। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन आप खुद पर थोड़ा संयम रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपका जो मूल स्वभाव है, आप जल्दी रिएक्ट कर जाते हो और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाते हो, और आपकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी हो जाती है। छोटी मोटी बातों को लेकर ये बात हो जाती है, तो उसके ऊपर आज थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपको पसंद नहीं आई है और उसके संदर्भ आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हो, ज़्यादा वॉयलेंट भी हो सकते हो। ध्यान देना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और आज से लेकर करीबन आने वाले 2-3 दिनों में ये बात हो सकती है, तो आप अपने खुद पर ऊपर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तौर पर अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति के बारे में या फिर आर्थिक लाभ के बारे में, बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर किसी और संस्था से या फिर लक के बारे में भी, आज आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो दिन वैसे आपका मिला जुला साबित होगा। 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका करियर है, वो करियर में जो भी आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, आपके जो सहकर्मी होंगे, उनसे आज आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो संयमित राशि है, सोच समझ के आगे बढ़ने वाली राशि है, बस यही बात है, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो आपका दिन होगा वो नॉर्मल होगा। आप घर के जो बातें होंगे उसके ऊपर, मतलब जो भी उनके मांगे हैं वो पूरी करोगे, लेकिन ऐसे 2-3 बातें आपके सामने हो जाएगी जिसकी वजह से आपका आपा खो सकते हो, बस वही बात है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल और बुध की युति भी होने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी आप काम करोगे, जो भी काम लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे। और जैसे मैंने पिछले करीबन 4-5 दिन से ये कह रहा हूँ कि आप जिस प्रकार आपका जो नेचर है, स्वभाव है, कि आप बहुत ज़्यादा काम हाथ में लेते हो और वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है। आज के दिन वो जो काम है वह पूरे भी कर पाओगे। आज आपके जो भाई बहन होंगे उनके तबीयत को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आज के दिन अगर आप कोई जर्नी करते हो, कोई ट्रैवलिंग करते हो, सफ़र पर निकलते हो, तो ध्यान देना आवश्यक है आपके सेहत के बारे में। और आज के दिन किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन वाले जो काम होंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को विटनेस वगैरह नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना या फिर प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी तौर पर अगर देखा जाए तो आज का आपका दिन काफ़ी अच्छा है, और अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज का जो आपका दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में मंगल और बुध का युति योग होने जा रहा है। तो पहली तो बात, आपके जो खर्चे होंगे, आज आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना, आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बात है आगे आने वाले करीबन 2-3 दिनों में अच्छी तरह से याद रखना, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, स्पेंडिंग,
आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर प्रॉब्लम नहीं कह सकते लेकिन आपके जो अंदाज होंगे वो चूकने की संभावना ज़्यादा है। घर के किसी व्यक्ति के साथ, किसी खास व्यक्ति के साथ आज मतलब आज के दिन खास करके नोकझोंक वगैरह हो सकती है, नोकझोंक थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है, बस यही बात है। लेकिन पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो जो भी आपके रुके हुए काम हैं पूरे होंगे। पैसे के मामले में आपके जो भी लाभ, जिसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, उसके बारे में कई जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, आपको लाभ मिलेंगे भी। तो फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह आपका आज का बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है आपके लिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आपने हाथ में काम लिया है पिछले 2-3 दिन से, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जो काम है पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज का जो आपका दिन है वो भी करीबन ऐसा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या फिर अगर आपका काम कोई रुका हुआ है तो वो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी खबर आपको मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी शुभ फलदायी होगी। आज का जो आपका दिन होगा वो थोड़ा बिजी शेड्यूल भी साबित हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक रूप से हो रहा है। ऐसे नहीं होगा कि आप काम करते जा रहे हो लेकिन उसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन उससे पूरी तरह से अलग होगा। उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ जाएंगे और आपको उसके जो मतलब परिणाम है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। सिर्फ सफ़र पे आप निकल रहे हो तो थोड़ा सा अपने सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही का अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। व्ययस्थ भाव में बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो आपका दिन है, दो बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खर्चे जो है आपके वो आज बढ़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि वो प्रैक्टिकल है, खर्चे कब करने हैं, कैसे करने हैं, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन आज आप चूक जाओगे। इसी प्रकार इस वजह से आपका जो मतलब आज का मूड होगा इतना खास नहीं होगा, थोड़ा सा आप जल्दी से रिएक्ट कर जाओगे। हालांकि आपकी जो राशि रिएक्ट करने वाली नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होने के कारण आप अपना आपा आज के दिन खो सकते हो। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ वगैरह हो सकती है, चिड़चिड़ापन आप में दिखाई दे सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिर दर्द वगैरह जो आपको नॉर्मली अगर आपका सिर दर्द बढ़ जाए तो वो हो जाता है, तो वो बातें आज आपको दिखाई दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपको छोटी मोटी बातों को लेकर सेहत के बारे में प्रॉब्लम आने वाले 2-3 दिनों में हो सकते हैं, अलर्ट रहना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपको जिसे लाभ जैसे बोलते हैं वो भी आज के दिन बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आज आपको अच्छी मदद मिलेगी, सलाह मिलेगी। सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे या फिर जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी तकरार वगैरह हो सकती है। तकरार थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है या फिर आप जल्दी से रिएक्ट भी कर जा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो बात मैंने रिलेशनशिप के बारे में कही, आने वाले 2-3 दिनों तक रुकेगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। करियर के बारे में अगर देखा जाए, प्रत्यक्ष लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिन है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आप एक षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये जो चंद्रमा है आपका व्ययस्थ वो लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऐसी कोई बात हो जाएगी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस या टेंशन आ सकता है, मतलब आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, और जो काम आपने नहीं किया उसी के लिए आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो वही बात है, 1-2 दिनों के लिए रुकिए, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, बस यही बात है। और जो भी आपने काम हाथ में लिया है, जो कि बहुत बड़ी योजना अगर होगी, उसके बारे में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल आज के दिन आ सकते हैं। सिर्फ आज के दिन है, बाकी तो आपका दिन नॉर्मल रहेगा। और आने वाले 2-3 दिनों में खुद के सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के जो भी काम होंगे, सिग्नेचर करना या फिर किसी को कमिटमेंट देना, प्रोमिसेस करना, ये बात सोच समझ कर कीजिए। हालांकि आपकी तरह से सबसे ज़्यादा अलर्ट होती है, लेकिन फिर भी 2-3 दिनों में इस बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण आपके
पंचम भाव में सिद्ध हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में सिद्ध रवि मंगल बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, जहाँ पर मतलब करियर के बारे में बहुत ही अच्छा दिन है। आपके काम के काफ़ी अच्छी तरह से अप्रिसिएशन भी हो जाएगी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 2-3 दिन में आपके जो वैवाहिक सदर होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस यही बात है। और अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो या फिर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो आपके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खुद ड्राइवर हो या फिर बड़े ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, तो भी आज का जो दिन है सोच समझ के जैसे भी बातें हैं वो शेड्यूल करना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि मंगल और बुध आपके दशम भाव में स्थित चंद्रमा के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो आपका दिन है वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम के एप्रिसिएशन हो जाएगी। आपकी जो वैवाहिक सत्र होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, बस वही बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इजी मनी के पीछे आज बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर रिस्क टेकिंग किसी बिजनेस से डील करते हो, आज के दिन वो बात बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी तरह से आप फंस सकते हो। तो यह बात है, बस वही बात है, ये 2-3 बातें इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दिन अगर देखा जाए तो वैसे काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि मंगल और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आपका जो भी करियर है, अगर आप काम करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, दोनों के लिए आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन आप फील नहीं करोगे, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन कहीं यात्रा पर अगर आप निकल रहे हो तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, वैवाहिक सदर होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, नोकझोंक थोड़े आगे बढ़ भी सकती है, बस इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटी मोटी बातें होंगी लेकिन कभी कभी जो बड़े जो बातें शुरुआत छोटी बातों से होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन है वैसे नॉर्मल होगा करियर के मामले में, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या आपका कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकती है, बस इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि मंगल और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना, सजग रहना ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो आपका जो दिन होगा सामान्य ही बीतेगा, किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। जो स्पेंडिंग जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक, खर्चे आपके जब भी आप खर्चे करते हो तो आगे पीछे नहीं देखते, भावनाओं के पीछे बहकर खर्चे ज़्यादा ही कुछ हो जाते हैं, बस उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का आपका जो दिन होगा वो काफ़ी नॉर्मल साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 3 सितंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।